दोस्तों कई बार जब हम कोई चीज़ दान करते हैं या कोई ऐसी वस्तु दान करते हैं जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है, या कई बार हम पैसों का दान करते हैं, तो हम गर्व से भर जाते हैं। एक प्रकार का घमंड हमारे अंदर आ जाता है कि हम देना जानते हैं। मैं हूं निमिष भंसाली और आप देख रहे हैं टैलेंटेड इंडिया न्यूज़। आज हम आपको ऐसे ही दान की कहानी सुनाने वाले हैं। भाई निमित्त होने पर घमंड कैसा। आज हमने भंडारे में भोजन करवाया, आज हमने ये बांटा, आज हमने वो दान किया। हम अक्सर ऐसा ही कहते हैं और मानते हैं। इसी से संबंधित एक अविस्मरणीय कथा हम आपको आज सुनाना चाहते हैं। एक लकड़हारा था जो लकड़ी काटता है, वो रात दिन लकड़ियां काटता, मगर कठोर परिश्रम के बावजूद उसे आधा पेट भोजन ही मिल पाता था। एक दिन क्या हुआ, एक दिन उसकी मुलाकात एक साधु से हुई। लकड़हारे ने साधु से कहा कि महाराज, जब भी आपकी प्रभु से मुलाकात हो जाए, मेरी एक फरियाद कृपया करके उनके सामने रख दीजिएगा और मेरे कष्ट का कारण पूछ लीजिएगा। कुछ दिनों बाद उसे वो साधु फिर मिला। लकड़हारे ने उसे अपनी फरियाद की याद दिलाई तो साधु ने कहा कि अरे हाँ, मैंने प्रभु से बात की थी। प्रभु ने बताया कि लकड़हारे की आयु जो है वो 60 वर्ष है और उसके जीवन में सिर्फ 5 बोरी अनाज ही है, इसलिए प्रभु उसे थोड़ा थोड़ा अनाज ही देते हैं ताकि वो 60 वर्षों तक जीवित रह सके। लकड़हारे ने बात मान ली। समय बीता, साधु उस लकड़हारे को फिर मिला तो लकड़हारे ने कहा, अरे ऋषिवर, अब जब भी आपकी प्रभु से बात हो तो मेरी यह फरियाद उन तक फिर से पहुंचा देना कि वो मेरे जीवन का सारा अनाज मुझे एक साथ ही दे दे, ताकि कम से कम एक दिन तो मैं भरपेट भोजन कर सकूं। अगले दिन साधु ने कुछ ऐसा किया कि लकड़हारे के घर ढेर सारा भोजन अनाज पहुंचा दिया। लकड़हारे ने समझा कि प्रभु ने उसकी फरियाद कबूल कर उसे उसका सारा हिस्सा भेज दिया है। वो बड़ा खुश हुआ। उसने बिना कल की चिंता किए सारे अनाज का भोजन बनाकर फकीरों में, गरीबों में, भूखों को खिला दिया और खुद भी भर पेट खाया। लेकिन अगली सुबह उठने पर जब उसने देखा कि उतना ही अनाज उसके घर पर फिर से पहुंच गया, उसने क्या किया, फिर से गरीबों को खिला दिया, उसका भंडार फिर भर गया और यह सिलसिला रोज रोज चल पड़ा। और लकड़हारा लकड़ियां काटने की जगह गरीबों को खाना खिलाने में व्यस्त रहने लगा। कुछ दिन बाद वो साधु फिर लकड़हारे को मिले तो लकड़हारे ने कहा, ऋषिवर, आप तो कहते थे कि मेरे जीवन में सिर्फ 5 बोरी ही अनाज है, लेकिन अब तो हर दिन मेरे घर पर 5 बोरी अनाज आ जाता है। साधु मुस्कुराए और उन्होंने समझाया, तुमने अपने जीवन की परवाह न करते हुए अपने हिस्से का अनाज भी गरीबों को और भूखों को खिला दिया, इसीलिए प्रभु अब उन गरीबों के हिस्से का अनाज तुम्हें रोज दे रहे हैं। तो इस कहानी से हम आपको यही कहना चाहते हैं कि किसी को भी कुछ भी देने की शक्ति हम में है ही नहीं। हम देते वक्त ये सोचते हैं कि जिसको कुछ दिया तो ये मैंने दिया। दान, वस्तु, ज्ञान, यहाँ तक कि अपने बच्चों को भी कुछ देते या दिलाते हैं तो कहते हैं कि मैंने दिलाया। दोस्तों वास्तविकता तो ये है कि वो अपने हक का ले रहे हैं और सिर्फ परमात्मा ने आपको उनका निमित्त मात्र बनाया है ताकि आप उन सब की जरूरत पूरी कर सको। तो निमित्त होने पर घमंड कैसा। वो कहते हैं ना, दान किए से जाए दुख दूर होए सब पाप, नाथ आकर द्वार पर दूर करे संताप। तो कहानी अगर अच्छी लगी हो, बात अगर थोड़ी भी जची हो, जमी हो, तो दूसरों को शेयर जरूर कीजिएगा, हमें बहुत खुशी होगी। धन्यवाद। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।